गुड मॉर्निंग अगस्त मुनि। तो हम लोग अभी है अगस्त मुनि में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चौपटा तुंगनाथ का ट्रैक करने के लिए। यहाँ से जो चौपटा है वो है 55 किलोमीटर। हम लोग कल दूसरे चौपटा चले गए थे जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं चौपटा और वहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक करेंगे, चंद्रशिला पीक करेंगे और उसके बाद वापस यहीं पर आएंगे क्योंकि हमने जो होटल है वो यहीं पर ले रखा है। तो लेट्स गो टू चौपटा और मैं आपको आगे के व्यूज़ दिखाता हूँ। अब हम लोग निकल चुके हैं अगस्त मुनि से चौपटा के लिए और चौपटा यहाँ से है 55 किलोमीटर। तो देखते हैं वहाँ तक का जो रास्ता है, वहाँ तक की जर्नी है कैसी है। मैंने ये सुना हुआ है कि यहाँ पे जो चौपटा का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ है। तो देखते हैं कैसा रास्ता होता है और एक और चीज़, वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी या नहीं, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन। वैसे मिलनी तो चाहिए, लेट्स सी कि वहाँ पर बर्फ़ मिटती है या नहीं। और जब तक आप ये रूट्स देखिए, वहाँ तक की जर्नी देखिए और वहाँ पर पहुँच कर हम लोग मिलते हैं ज़रा। मोहित भाई देखना प्लीज। तो एट लास्ट हम लोग चौपटा पहुंच गए हैं। दो दिन से ट्राई कर रहे चौपटा पहुंचने की बट पहुंच नहीं पा रहे। आज पहुंच गए। तो आज पहुंच गए। अब हम लोग यहां से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे तुंगनाथ का और उसके बाद चंद्रशिला पीक। तो मैं आपको एंट्रेंस दिखा देता हूं जहां से हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलो। जो मेरे साथ के तीन लोग थे वो तो चले गए ऊपर। तो अब मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे प्रॉपर एक सीमेंटेड रास्ता, एक सीमेंटेड पाथवे बना हुआ है ऊपर चढ़ने का, तो इजी रहेगा आपके लिए ऊपर चढ़ना। मतलब आपको जो ट्रैक है, जो रोड्स है, जो रास्ता है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। रोड तो नहीं, जो ट्रैक है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमने शॉर्टकट अपनाया जिससे कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच पाएंगे। जल्दी तो क्या, थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि सेम ट्रैक लॉन्ग कट में और सेम ट्रैक शॉर्टकट में। तो चलो लेके चलता हूँ आपको तुंगनाथ मंदिर की तरफ।
मतलब ये वाली ऑसम फीलिंग तो आ ही नहीं सकती कि आप बर्फ पे लेटे हो। तो थोड़ा थक गए थे तो इसलिए ठंडे होने के लिए बर्फ में लेट गए। तो अभी हम लोगों का थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट का ट्रैक थोड़ा सा और बचा और फिर हम पहुंच जाएंगे चंद्रशिला पीक। और हम लोग चार जने हैं, चार जनों में से सिर्फ मैं अकेला ऐसा लड़का इंसान जो भी कहो वो हूँ जो ये पीक कर रहा है। तो चलो थोड़ी सी दूर और है और फिर चलते हैं चंद्रशिला की ओर। बस और बहुत अच्छा लग रहा है करके, मतलब कुछ अलग करके, यानी कि बाइक ही बाइक राइड करना तो ट्रैवलिंग में सब आ जाता है ना, तो ये पीक करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब सब कह रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट है नीचे, और मतलब मेरे फ्रेंड्स भी नहीं आए तो मुझे भी एक बार को लगा कि हाँ डिफिकल्ट होगा, तभी ये लोग इतना डिनाई कर रहे हैं। बट ईजी है हाँ, बट रिस्की भी है। तो जब भी आओ बी सेफ और अच्छे से पाथ को देख के ही अपने रूट में वो जाना। और बस बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और घंटा बेल आइकन दबाना मत भूले, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएंगी कि मैं कौन सी वीडियो आगे अपलोड करने वाला हूँ। तो बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरी देखने के लिए।